यूपी के जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाल को भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार करने के आरोप में एसएसपी ने सस्पेंड कर राजीव कुमार को नया कोतवाली प्रभारी नियुक्त किया है। कोतवाली में चला रखा था खाकी की आड़ में वसूली का धंधा। थाने पर छापे में मचा हड़कंप, पुलिस स्टाफ की रुकी सांसें। एसएसपी द्वारा भेजे गए एक बुजुर्ग फरियादी से कोतवाल ने गाड़ी में तेल डलवाने के लिए वसूले थे रुपए। गौकशी के आरोप में पकड़े बेगुनाह को भी 15,000 रुपए लेकर छोड़ने का कोतवाल पर आरोप। करप्शन की शिकायत पर रात में ही कोतवाली जहांगीराबाद पहुंचे एसएसपी संतोष कुमार सिंह। भाजपा विधायक संजय शर्मा थाने पर रहे मौजूद। एसएसपी ने कोतवाली में तैनात स्टाफ को कोतवाली के एक कक्ष में कराया नजरबंद। स्टाफ के किसी भी सदस्य को नहीं निकलने दिया गया कोतवाली से बाहर। एसएसपी के साथ फोर्स ने कोतवाली की छत, पुलिस के आवास और कोतवाली के आसपास खेतों में चलाया सघन चेकिंग अभियान। एसएसपी के साथ भाजपा के विधायक संजय शर्मा भी कोतवाली में रहे मौजूद। एसएसपी और विधायक की गोपनीय गुफ्तगू के बाद चलाया गया सर्च ऑपरेशन। एसएसपी ने करप्शन के सभी मामलों की जांच कर दिया आदेश। फिलहाल कोतवाल को किया सस्पेंड। जहांगीराबाद में थाना प्रभारी के पद पर तैनात श्री रमाकांत यादव के विरुद्ध जनता के साथ दुर्व्यवहार तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें काफ़ी दिनों से मिल रही थी। आज कई गंभीर प्रकरणों में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली। थाने पर जाकर मेरे द्वारा परीक्षण किया गया, गोपनीय सूत्रों से जानकारी की गई तो पाया गया कि इनके विरुद्ध जो आरोप प्राप्त हो रहे थे उनमें काफ़ी हद तक सत्यता है। प्रथम दृष्टया या विश्वास होने पर और ये पाए जाने पर जांच से कि ये आरोप सत्य हैं, इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उन आरोपों की जो लिस्ट है, सूची है, उसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर बुलंदशहर को सुपुर्द की गई है। एक सप्ताह में उनसे जांच आख्या मांगी गई है। जहांगीराबाद कोतवाली की लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायत पर एसएसपी और विधायक ने कोतवाली जहांगीराबाद पर देर शाम छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने भ्रष्टाचार के आरोप में जहां कोतवाल रामाकांत यादव को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं राजीव कुमार सक्सेना को नया चार्ज कोतवाली का दिया गया है। कैमरामैन आदित्य गौतम गुजरात, सुल्तान अंसारी, खबर तहकीकात, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी वे बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर। अपने जनपद से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और खबर तहकीकात की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।